हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इग्नू में जो री वैल्यूएशन का लिंक आ चुका है उसकी फोटोकॉपी और आंसर शीट आपको कैसे मिलेगी। और जो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है वो आपको पूरी कार्रवाई इसमें मैं बताऊँगा। तो जो जो एग्ज़ाम में आप फेल हुए हैं आपको उनकी आंसर शीट मंगा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं और किस किस को जो है आपको फॉर्म भरना है और कैसे भरना है उसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले आपको जाना है इग्नू की मेन वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद आपको ये एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिवोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर टी दिसंबर 2020। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको लॉगिन करना है, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करना है। आपको फोटोकॉपी और आंसर शीट के ऊपर ये सब लिखा हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, ओ मार्कशीट के ऊपर जो एग्ज़ाम पेपर हुए हैं, अगर आप उसमें फेल हैं तो उसकी आपको कोई फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं मिलेगी। आप जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट है वो आपकी मेल पे भी आएगी और हार्ड कॉपी भी आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन सबको पेमेंट करना है। जैसे आप नीचे जाओगे इसमें तो फिर आपको इसको चेक डिक्लेरेशन में क्लिक करना है और आगे इस पर प्रोसीड कर देना, आई एग्री एंड प्रोसीड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये यहाँ पे भी लगभग सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप इसमें जाओगे तो इसमें आपको दोबारा डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, आई एग्री एंड प्रोसीड के, तो इस पर फिर आपको लिखना है, क्लिक करना है दिसंबर 2020 एग्ज़ाम स्टूडेंट के रूप में। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा ही है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर और प्रोग्राम कोड डाल के रिवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट सेलेक्ट करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो आपको आंसर शीट तभी मिलेगी जब आप अपना इग्नू का जो आईडी कार्ड है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप इग्नू का आईडी कार्ड अपलोड नहीं करोगे तो आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी, सिर्फ रीचेकिंग हो जाएगी आपके कितने मार्क्स आए। लेकिन गलती नहीं करना, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको क्या करना है, अगर आप फेल हो गए हो किसी सब्जेक्ट में तो आंसर शीट पक्का अपने पास मंगाना। उसमें अगर आपका टोटल में कोई गड़बड़ है, आपको कहाँ पे मार्क्स कम दिए हैं, अगर आप आंसर शीट मंगाते हैं तो उससे इग्नू के ऊपर थोड़ा प्रेशर ये रहता है कि इंडिविजुअल ने आपने जो है आंसर शीट मंगाई है और तो आपके पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सिर्फ रिवोल्यूशन करेंगे तो वो टोटल करके मार्क्स दोबारा आपके अपडेट कर देंगे। तो आपको बहुत ज़रूरी है आंसर शीट को मंगाना। और उसके बाद आप जैसे आईडी कार्ड वगैरह अपलोड करोगे, जो पेमेंट रिक्वायर होगा तो वो पेमेंट पे करने के बाद सबमिट कर देना। तो ये था आपको जो फोटोकॉपी आंसर शीट आपको कैसे अप्लाई करना, रिवोल्यूशन कैसे अप्लाई करना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। थैंक यू।